हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चेस्ट, जिसके रहेंगे 5 वेरिएशन। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म वेरिएशन कैसा करना है। आज कुछ अलग तरीके से हम करेंगे वर्कआउट चेस्ट का। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को करना है डिप्स। अच्छा, डिप्स जो बहुत से लोग क्या नॉर्मल करते हैं, लेकिन आज आप लोग को मैं बताऊँगा कुछ नए तरीके से। तो गाइस, बराबर से आप ये वीडियो को पूरा देखना है। और गाइस, चलो शुरू करते हैं डिप्स मारने का तरीका। तो चलते हैं इसको गाइस, कुछ पहले डबल इसको इतना शुरू से वापस से देख लीजिए, एक दो, फिर उसके बाद अपने को ऐसा करना है, हिप गाइस ऊपर रखना है, चेस्ट में हाथ चेस्ट के पास रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 होने के बाद गाइस इसको कुछ इस तरीके से करने का, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, 1 2 3 4 5 6 7 7 होने के बाद गाइस जिस तरीके से करना है, 1 2 3 5 6 7 अब गाइस नॉर्मल अपने को आ जाना है, जो नॉर्मल हम हमेशा करते हैं, हिप उठी रहना चाहिए, चेस्ट अप, 1 2 3 4 5 6 7 तो गाइस आप लोगों को इसी तरीके से करना है। इसमें आप लोगों का जो वार्मअप का जो भी चेस्ट करेगा इसमें पूरा आ जाएगा, जैसे इंक्लाइन हो गया, मिडल हो गया, अपर चेस्ट हो गया, तो इसमें पूरी वार्मअप। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वेरिएशन इंक्लाइन बेंच प्रेस से। अच्छा गाइस, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म। इसमें एक चीज़ बहुत से लोग गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्कआउट के दौरान। तो चलते हैं, इसके भी रहेंगे 3 सेट 12 रिपीटेशन। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप 15 रेप्स भी मार सकते हो। तो चलते हैं गाइस, ये मतलब ये तो मशीन है, अगर आप लोग के जिम में बार है यानी ओलंपिक बार है तो आप उससे भी आप लोग कर सकते हो, कुछ वो नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फॉर्म टेक्निक क्या आप लोग को कैसा करना है, तो अपने हिसाब से आप लोगों को वेट ले लेना है गाइस। और सबसे मेन चीज़ फोकस है ना, जब भी आपको जो भी सेट आप लोग मार रहे हो, यानी आप चेस्ट कर रहे हो या ट्राइसेप्स कर रहे हो या कोई भी मसल कर रहे हो, तो गाइस दिमाग का बहुत बड़ा खेल है। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो गाइस बॉडी आप वो खुद समझ में आ जाएगा गाइस, आप भी समझदार हो। तो स्टार्ट करेंगे, ग्रिप कुछ इतना टाइट पकड़ना है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ना इसको ऐसा करते हैं, मतलब पीछे की तरफ लेके जाते हैं। तो पीछे की तरफ लेके जाना मतलब ये कि शोल्डर में इंजरी लाना है। तो आपको गाइस कुछ इस तरीके से करना है, चेस्ट अप रहेगी, फोकस एकदम चेस्ट में, अपर चेस्ट में, देखो एल्बो मेरा अंदर की तरफ है, इतना भी ज़्यादा अंदर नहीं रहेगा, आप लोगों को मैंने बताया कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, थोड़ा सा एल्बो अंदर की तरफ रखो और फोकस पूरा, जो भी आप अगर अपर चेस्ट कर रहे हो तो आप लोगों को फोकस भी अपर चेस्ट में ही लाना है। तो शुरू करेंगे सेकंड वेरिएशन के लिए, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करेंगे सेकंड वेरिएशन फ्लैट बेंच से, फ्लैट बेंच प्रेस से। इसके रहेंगे 3 सेट 12 रिपीटेशन। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, पहले वेरिएशन में अगर आप लोग की स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप लोग 15 रेप्स भी कर सकते हो, यानी 15-15 के 3 सेट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 12 रिपीटेशन के 3 सेट ले रहा हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को इसमें भी बताऊँगा फॉर्म कैसा करना है, क्या तरीका है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें बहुत सी गलतियाँ करते हैं। तो गाइस, आप लोगों को ये गलतियाँ नहीं करना है। तो चलते हैं वीडियो को लेके, कुछ अपने हिसाब से वेट ले लेना है गाइस, चेस्ट अप, बिल्कुल चेस्ट अप, और जब ऊपर आप लाएंगे तो चेस्ट में फोकस करेंगे, पूरा ये ऐसा अप करेंगे, और जो मैं आपको कह रहा था गाइस कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी शोल्डर में आएगा, थोड़ा सा एल्बो नीचे की तरफ रहना चाहिए ताकि चेस्ट पूरी प्रेस होना चाहिए।
गाइस आप लोगों को कुछ इसी तरीके से करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को एल्बो ऐसा नहीं रखना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, एल्बो ऐसा करते हैं तो शोल्डर में इंजरी आने का डर रहता है। थोड़ा सा एल्बो आप लोगों को नीचे पकड़ना चाहिए। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँगा, ग्रिप एकदम टाइट रहना चाहिए, क्योंकि गाइस ग्रिप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलते हैं थर्ड वेरिएशन के लिए, स्टार्ट करेंगे थर्ड वेरिएशन डिक्लाइन बेंच प्रेस से। इसके भी रहेंगे 3 सेट 12-12 रिपीटेशन के। तो गाइस मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म एंड कैसा ट्रिक बताऊंगा कैसा इसको करना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इफेक्टिव रहती है, यानी अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो गाइस चलते हैं, शुरू करते हैं वर्कआउट। तो अगर आप लोग के जैसे मेरी जिम में मशीन कुछ इस तरीके से, आप लोग अगर जैसे आपके जिम में अगर वाली मशीन अगर ओलंपिक बार है तो आप लोग उसमें भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे ये वाली मशीन है तो आप लोग उसमें भी कर सकते हो। तो मैं इसमें भी मशीन में करने जा रहा हूँ, तो शुरू करेंगे। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को जैसे कि बताया, छोटी छोटी चीज़ भी बहुत मायने रखती है। तो गाइस शुरू करेंगे, कुछ अपने अपने हिसाब से वेट ले लेना है आप लोगों को। गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हल्की सी मुंडी ऊपर, जैसे मुंडी ऊपर और चेस्ट की तरफ थोड़ा देखना है, ज़्यादा भी मुंडी ऊपर नहीं, हल्की चेस्ट की तरफ। ऊपर गाइस आप लोगों को होल्ड करना है और मुंडी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके आग नीचे की तरफ। तो गाइस आप लोगों को कुछ ऐसे 12 रेप्स करना है, मुंडी चेहरा मतलब मुंडी थोड़ा ऊपर और चेस्ट की तरफ में आप लोग देखोगे और फोकस रहेगी डिक्लाइन चेस्ट में, यानी यहाँ पे आना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप पूरा प्रेस करोगे यानी पूरा, तो 1 सेकंड का होल्ड रखना है या हाफ सेकंड का, तो आप लोगों को पूरी चेस्ट दबाना है, तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। तो चलते हैं फोर्थ वेरिएशन के लिए। तो गाइस जैसे कि मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो भी मेरी बन रही है इसमें मैं जो छोटे छोटे यानी एक एक चीज़ यानी कि फॉर्म में जो छोटी मोटी चीज़ें होती है उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया। तो गाइस एक चीज़ आप लोग को बीच में करना है, जैसे आप ड्यूरिंग वर्कआउट जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो बीच में आप लोगों को स्ट्रेच कराना है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई स्ट्रेच बीच में नहीं करना चाहिए, लेकिन गाइस आप लोगों को इसमें करना है। तो उस तरीके से आप लोग फॉर्म देख सकते हो, यानी जब आप लोग का इंक्लाइन डिक्लाइन एंड फ्लैट अगर हो जाएगा तो बीच में यानी पेडेक फ्लाई मारने से पहले आप लोग को जो ये शोल्डर आगे तरफ लाइए और चेस्ट अप नॉर्मल जैसे रखना है और इसको नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद जैसे ये नीचे लाए ना, इसको हाथ को एकदम स्ट्रेट करना है। तो यानी जो चेस्ट में जो प्रेशर आएगा ना गाइस, तो बहुत ही इफेक्टिव आपकी चेस्ट रहेगी बनेगी, यानी बहुत अच्छा पंप भी दिखेगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा शर्टलेस होकर, बताऊंगा कि कैसी मेरी पंप हुई है। तो गाइस चलते हैं फोर्थ वेरिएशन के लिए, स्टार्ट करेंगे फोर्थ वेरिएशन चेस्ट प्रेस से, मशीन से यानी। तो गाइस इसके भी रहेंगे 3 सेट 12-12 रिपीटेशन के। तो गाइस शुरू करेंगे, इसका भी मैं आप लोगों को फॉर्म एंड ट्रिक बताऊंगा, कैसे आप लोगों को किधर होल्ड कर रहे हैं किधर स्लो डाउन आना है। तो गाइस चलते हैं वीडियो को लेके। तो गाइस सबसे मेन चीज़ आप लोग अपने हिसाब से वेट ले लो। बहुत से लोग क्या करते हैं, हैवी मारते हैं, 1-2 रैप 2-4 सेट रैप मार लिए हो गया तो गया। गाइस मैं आप लोगों को बताया हूँ इससे पहले वाली 2-3 वीडियो में, मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि वेट मैटर नहीं करता, परफेक्ट मैटर करता है। तो गाइस आप लोग का इसका बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है। तो शुरू करेंगे, शोल्डर उठा के आप लोगों को नहीं करना है, ये भी छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चेस्ट अप यानी नॉर्मल शोल्डर, लेकिन चेस्ट अप करोगे। और गाइस आप लोगों को आना है, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ वीडियो में जैसे मैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो गाइस ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। चेस्ट अप यानी ये लिए स्लो डाउन और ये 1 सेकंड का होल्ड रहेगा और पूरी चेस्ट आप लोगों को प्रेस करना है। मेरा एल्बो आप लोग देख सकते हो गाइस, और फोकस करना है पूरे चेस्ट में, यानी पूरी चेस्ट आप लोगों को प्रेस करना है। स्लो होल्ड 1 सेकंड का।
तो गाइस इसकी भी आप लोगों को 12 रेप और तीन सेट 12 रेपिटेशन करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, स्लो डाउन आना है और एक सेकंड जब आप लोग पूरा प्रेस करोगे तो पूरा चेस्ट यानी पूरी चेस्ट को आप लोगों को दबाना है। तो शुरू करेंगे फिफ्थ वेरिएशन फ्लाई पैक डेक से। इसकी करेंगे 12 रेप तीन सेट के, मतलब यानी 12 रेपिटेशन करना है, तीन सेट लेना है आप लोगों को। और गाइज ये है लास्ट वेरिएशन है। तो गाइस चलते हैं वीडियो को। अच्छा, इसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म ट्रिक कैसा करना है। बहुत से लोग इसमें भी बहुत सी गलतियां करते हैं, तो गाइस आप लोगों को ये गलतियां नहीं करना है। तो चलते हैं वीडियो को लेके। आप लोगों को कुछ सबसे पहले तो ये जो अपना जो सर है इसको पीछे लाना है ताकि चेस्ट अपनी जितनी अप रहेगी यानी जितनी अप रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा हो गया वर्कआउट फिनिश। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया पांच वेरिएशन, उसके फॉर्म एंड ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया कैसा करना है। गाइज फॉलो ज़रूर करिए, वो वर्कआउट का आप लोगों को समझ में आएगा। और एंड कमेंट करना ना भूले। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। फिर मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।